नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल, आप देख रहे हैं ब्लॉगर्स डुओ। आज जो हमारे साथ गाड़ी है, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल गाड़ी है, एलसीवी सेगमेंट की महिंद्रा फ्यूरियो 7। ये जो व्हीकल है, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है लाइट कमर्शियल व्हीकल के कैटेगरी में। ये जो व्हीकल है बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो इसका फ्यूरियो का एडवांटेज मिलता है। फ्यूरियो होने का ही सबसे बड़ा एडवांटेज है इस गाड़ी का, एंड देन उसके बाद लाइट कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी। इससे जो है आपका प्राइस भी कम मिलेगा और आपको फीचर भी ज़्यादा मिलेंगे। कम प्राइस में आपको ज़्यादा फीचर का जो है एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी में, ठीक है। सबसे पहले मैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक की बात कर लूँ तो इसका जो फ्रंट लुक है वो पिनिनफरिना ने डिज़ाइन किया है। बहुत बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है। और पिनिनफरिना जो है बहुत सालों से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और बहुत सारी गाड़ियाँ डिज़ाइन किया है उन्होंने। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ तो जो फरारी का जो डिज़ाइन है वो पिनिनफरिना ने डिज़ाइन किया है, तो वही वाला सेम कंपनी ने जो है महिंद्रा के फ्यूरियो का डिज़ाइन किया है। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, इटालियन लुक मिला है इसको और मॉडर्न ट्रक के जैसा है। सारे आपको एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे इस ट्रक में। बेस्ट इन क्लास डिज़ाइन होने के कारण ड्राइवर को चलाने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है और जो ओनर है उसको भी अच्छा लगता है गाड़ी देखने में, बाकी लोगों को भी देखने में अच्छा लगता है। इस वजह से जो इसका लुक बहुत अच्छा बनाया गया है, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, बहुत ही ज़्यादा जो है R&D किया गया है इस गाड़ी के ऊपर। अब मैं बात कर लूँ गाड़ी के फ्रंटल लुक की, तो यहाँ पे आपको महिंद्रा का बड़ा सा लोगो मिलता है, महिंद्रा की बैजिंग, फ्यूरियो 7 की बैजिंग, एयर कॉन्वेंट्स मिलते हैं एयर सर्कुलेशन के लिए, दो वाइपर मिलते हैं आपको और ठीक इसी के ऊपर जो है आपको वॉशर की सुविधा भी दी गई है, ठीक है। और टिंटेड ग्लास मिलता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और इसकी जो ग्लास है यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरा फुल वाइट ग्लास मिलता है आपको, जो विजिबिलिटी की है वो कमी नहीं होंगी, वो हिंडर नहीं होगा। एंड देन यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको जो चाइल्ड पार्ट देखने के लिए मिलेगा। चाइल्ड पार्ट होता क्या है ना, अगर कभी मान लो ये वाला इंपैक्ट से अगर टूट जाता है तो आपको पूरा पैनल चेंज करना पड़ा रहता है, लेकिन ये चाइल्ड पार्ट होने के कारण इस गाड़ी में सिर्फ आपको ये वाला पैनल चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ये जो कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल बनाता है गाड़ी को। और साथ ही साथ अब ये फ्यूरियो की बात चल रही है तो फ्यूरियो में जो हेडलाइट आते हैं वो सारे के सारे हेडलाइट सेम ही है। डुअल चैम्बर हैलोजन वाले हेडलाइट मिलते हैं, यहाँ पे आपको हाई बीम वाला, यहाँ पे आपको लो बीम वाला मिलता है। और ये रहा इसका इंडिकेटर। डुअल चैम्बर होने का फायदा ये है कि आपको एक ही हेडलाइट में आपको दो चैम्बर मिलेंगे और यहाँ पे ही आपको जो है बल्ब चेंज करना पड़ेगा, पूरी की पूरी हेडलाइट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ठीक इसके नीचे में जो है यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग वाला फॉग लैम्प मिलता है। अब मान लो आपको टाइट पार्किंग स्पेस में थोड़ा बहुत जो है आपको काम करना है तो आपको मेन हेडलाइट चालू करने की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपका जो है आधे से ज़्यादा काम जो है कॉर्नरिंग वाला फॉग लैम्प कर देगा। अगर आपने रात के समय में ढाबे में गाड़ी पार्किंग करनी है तो आपको ये फॉग लैम्प भी बहुत मदद कर देगा। इसका जो व्यू है वो यहाँ से लेकर तो जस्ट यहाँ तक है, मतलब ये हेडलाइट जो है वो सामने की तरफ थ्रो करती है। और इसका जो ये है इल्यूमिनेशन वो यहाँ तक है, मतलब 60 डिग्री का जो है उससे भी ज़्यादा का जो आपको वाइड स्पैन देखने के लिए मिलेगा इस फॉग लैम्प में। अब इसका जो बम्पर है वो मेटल वाला बम्पर है, टोइंग हुक लगाने के लिए यहाँ पे आपको जगह मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक वाला हॉर्न मिलता है, ठीक है। एंड देन इसके जस्ट आपको दिख रहा होगा कि इंजन की प्लेसमेंट जो है तकरीबन 2 से 1.5 फुट की दूरी पे रखी गई है। और सामने का जो एक्सेल है वो भी आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। 4 जाइबीम रिवर्स इलियो टाइप वाला जो है आपको एक्सेल मिलता है, ठीक है। और चेसी जो है वो यही से दी गई है। इससे होता क्या है ना, आपका एक एडवांटेज है कि आपका मैक्सिमम डैमेज नहीं होगा, चेसी को जो है लगेगा, ठीक है। ये जो है चेसी आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है अगर आपका कभी इंपैक्ट होता है तो फ्रंटल से, ठीक है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, बहुत अच्छी बात है। एक्सीडेंटल का भी जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, उससे ये पता चलता है। गाड़ी के साइड लुक की बात कर लूँ तो गाड़ी का जो साइड लुक है बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो इसका हाई रेक एंगल। इससे होता क्या है ना, जितनी भी धूप आती है कैबिन के अंदर वो मैक्सिमम धूप जो है डैशबोर्ड तक ही लगेंगी, मैक्सिमम, और ड्राइवर के हाथ को भी नहीं लगेंगे, ड्राइवर को जो है धूप टच नहीं करेंगे। इससे होता क्या है, इससे आपका कैबिन चील रहता है, इससे जो है ड्राइवर को कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। अब इसमें जो है अंदर में जो है इतना बढ़िया वाला ब्लोअर वाला मैकेनिज्म लगाया हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी देर में आऊँगा जब इंटीरियर करूँगा तब, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसका हाई रेक एंगल, और साथ ही साथ जो है इसका जो डिज़ाइन किया गया है आपको कैबिन का, वो आपको जो है ये लाइट मिलेगा आपको हाई माउंट वाला लाइट, हाइट मार्कर लाइट जिसको हम बोलते हैं, वो भी साइड में मिलता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अब होता क्या है ना, अगर आपने फ्यूचर में कभी कैरियर लगाने को देखा तो आप कैरियर लगाने के वक्त नहीं कि ये टूट जाएगा, तो इस वजह से जो इसको बाजू में दिया है बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया है। और बाजू में देने की वजह से ऊपर में आपको कैरियर माउंट के लिए दो दो बोल्ट मिल जाते हैं, सामने में और पीछे में भी, बहुत अच्छी बात है। इससे ग्रिप भी अच्छी बनती है कैरियर माउंट की और लॉन्ग लाइफ भी चलता है, रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब मैं बात कर लूँ इसके साइड लुक के, जो पैनल है उसकी, तो साइड लुक भी बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कार टाइप वाला आपको जो है डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पे आपको की फोब मिलेगा, एंड देन यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत वार्निंग मिल जाएंगी। ये रहा इसका इंडिकेटर का प्लेसमेंट, ये रहा इसका कैबिन टिल्ट करने का मैकेनिज्म, सिंपल लॉक वाला मैकेनिज्म आता है। तो ये है इस गाड़ी का दिल, हार्ट ऑफ द मैटर, इस गाड़ी का इंजन, ठीक है।
ये गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला वाला जो इंजन ऑप्शन है वो है 2.5 लीटर वाला MDI वाला इंजन, और जो सेकंड इंजन ऑप्शन है वो टिपिकल बहुत सारे फ्यूरियो को पावर करता है 3.5 लीटर वाला MDI टेक वाला डीजल इंजन, जिसमें आपको फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिलेंगे। पहले मैं इस इंजन की बात कर लेता हूँ। ये जो इंजन है 2.5 लीटर वाला जो है MDI वाला इंजन, इसमें आपको जो है 1600 बार की बॉश की तरफ से आने वाली कॉमन रेल मिलती है, ठीक है, बहुत अच्छी कॉमन रेल है। और साथ ही साथ इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्टगेट वाला टर्बो चार्जर मिलता है जो कि पावर से समझौता नहीं करता है, ठीक है। तो पावर से समझौता नहीं मतलब पावर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको। एंड देन उसके बाद में बात करूँ तो इसमें वन स्ट्रेच फिट बेल्ट फैन बेल्ट मिलता है। इससे होता गया है ना, आपको 10 बार जो फैन बेल्ट को एडजस्ट नहीं कराना पड़ेगा, एक ही बार में जो आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहेगा, ठीक है। तो ये जो गाड़ी में इंजन है वो है MDI 4 सिलेंडर 2.5 लीटर वाला BS6 वाला डीजल इंजन, ठीक है। अब इसमें जो पावर प्रोड्यूस होता है वो है 81 BHP का और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ठीक है। और इसका जो पावर प्रोड्यूस होता है वो है 3200 RPM पे। बढ़िया इंजन है, माइलेज के लिए जाना जाता है ये इंजन। महिंद्रा ने ये वाला जो इंजन है LCV सेगमेंट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, अपने फ्यूरियो 7 के साथ। इसके पहले जो ये इंजन था वो जेओ में आता था, अभी जो है ये इसमें आने लग गया है, ठीक है। इस वजह से जो है ये वाला जो इंजन है बहुत बढ़िया है। एंड देन उसके बाद में बात करूँ तो इसमें दो क्लच प्लेट के ऑप्शन मिलते हैं आपको, 280 mm का एक क्लच प्लेट, 310 mm का एक क्लच प्लेट, वो भी LU के, ठीक है। अब ये जो क्लच है ये बहुत अच्छा क्लच है, बहुत रिलायबल क्लच भी है, और साथ ही साथ इसमें जो है आपको क्लच लाइनिंग भी मिलती है। मतलब ये आपको बताएगा, क्लच इंडिकेट करेगा कि कब इसका वियर ख़त्म होने वाला है, मतलब इसकी जो क्लच की जो लाइफ है वो बताने वाला है टोटल। अब मैं इसके इंजन की बात कर लूँ, इस गाड़ी का जो इंजन है वो सामने से तकरीबन 1.5 से 2 फीट की दूरी पे रखा गया है। इसका कारण यह है कि इसमें वाटर बॉडी रेडिएटर बॉडी कभी डैमेज नहीं होनी चाहिए फ्रंटल इंपैक्ट के दौरान। अब इससे होता क्या है ना, अगर कभी फ्रंटल इंपैक्ट से बॉडी अगर आपकी डैमेज हो जाती है तो आपको गाड़ी वहीं पे खड़ी करना पड़ेगा। लेकिन महिंद्रा की गाड़ी में ये इंजन थोड़ा सामने से दूर पीछे रखने की वजह से आपको जो है गाड़ी नज़दीक के सर्विस सेंटर तक आप पहुँचा सकते हो, और वो जो है आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी जो है रिपेयर करवा देंगे। अब मैं इस गाड़ी की बात कर लूँ तो इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक विस्कस फैन भी मिलता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपकी जो कॉमन रेल प्लेस की गई है, ठीक है। ठीक, इसके ऊपर में कैबिन में जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से वेल इंसुलेशन किया गया, देख सकते हो आप इतना मोटा इंसुलेशन किया गया है। इंजन की गर्मी और इंजन की आवाज़ जो है वो भी बहुत कम जाएंगी, और यहीं पे जो आपको इंजन की लाइट की प्लेसमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलती है, इसको जस्ट पुल करना है तो चालू हो जाएगा, जैसे ही दबा दोगे तो इसका जो इंजन लाइट है वो ऑफ हो जाएगा। केबल शिफ्टिंग मैकेनिज्म के आप केबल देख सकते हो, गियर शिफ्टिंग के जो मैकेनिज्म वाले केबल आते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से नीटली काम किया गया है। और जितनी भी इंजन की वायरिंग है, जितनी भी आपकी जो है लाइट की वायरिंग है, सारी वायरिंग के ऊपर जो आप यहाँ पे आपको जो है टेपिंग की हुई मिलेंगी कि हर वायरिंग कौन सी डायरेक्शन की और कहाँ जा रही है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहीं पे जो है यहाँ पे आपको EMS मिलता है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, ECU जिसको बोलते हैं, वो यहीं पे आपको प्लेस किया हुआ मिलेगा। गाड़ी का जो फ्रंट सस्पेंशन दिया है वो है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग के साथ टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन। इस गाड़ी में सामने में ही आपको जो है एंटी रोल बार देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इससे क्या होता है ना, 95% तक रोलिंग स्टेबिलिटी जो है गाड़ी की वो कम हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक फ्यूल फिल्टर का कार्टिज मिलता है, और यहाँ पे आपको जो इंजन डिपस्टिक मिलती है। तो ठीक यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको जो है कूलेंट रिजर्वायर देखने के लिए मिलेगा। एंड देन यहाँ पे जो स्टीयरिंग फ्लूइड के लिए रिजर्वायर मिलेगा, पावर स्टीयरिंग आता है तो उस वजह से यहाँ पे जो ऑयल टॉपअप वगैरह कराना होगा तो आप यहाँ से करा सकते हो। आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट के लिए टर्बो की प्लेसमेंट यहीं पे की गई है, वेस्ट गेट इलेक्ट्रॉनिक टर्बो चार्जर लग के आता है इस गाड़ी में। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से जो है बहुत अच्छा वाला अल्टरनेटर मिलता है। ये वाला जो अल्टरनेटर है वो ज़्यादा लोड भी कैरी कर सकता है, इस हिसाब से जो इस अल्टरनेटर को डिज़ाइन किया है महिंद्रा ने। और गाड़ी का जो फ्रंट टायर है वो है अपोलो अमार गोल्ड का टायर, 825 है, 16 का टायर आता है इस गाड़ी में, ठीक है, 5 लेग नट के साथ। सिल्वर कलर की फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है देखने में, अगर ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता तो पूरा ब्लैक लगा रहता, लेकिन इन्होंने कॉन्ट्रास्ट जो है बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया गया है, बहुत अच्छा लगता है लुक देखने के लिए। और ठीक इसके जस्ट सामने में जो है यहाँ पे आपको इस गाड़ी की लाइसेंस प्लेट मिल जाती है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और इसके जो फुट रेस्ट है उसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी लेवल में दी गई है, मेटल वाला फुट रेस्ट मिलता है। एंड देन इसके जस्ट पीछे मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको एक बैटरी मिलती है 12 वोल्ट की, एक बैटरी की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है, बैटरी कट ऑफ स्विच यहीं पे दिया गया है, और रिले वगैरह के जो स्विचेस है वो यहीं पे दिए गए, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एक साइड एक्सप्रेस की बैटरी आती है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके पीछे की बात कर लूँ तो पीछे में जो आपको सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा वो हेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग के साथ साथ आपको टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, बहुत अच्छी बात होती है। इससे होता क्या है ना, आपका जो सस्पेंशन है
लीप स्प्रिंग वाला, उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आता है। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर जो है थोड़ी मदद कर देता है आपकी। अब मैं इसके पीछे के लुक की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको जो है टेल लाइट मिल जाएंगी, रिवर्स लाइट और ये जो इंडिकेटर मिलेगा, सारा सारा हैलोजन का यूनिट है। चार पार्किंग सेंसर मिलते हैं और ये रहा इसका महिंद्रा का नाम बहुत बढ़िया तरीके से, और ये HSD मॉडल है। अब इसमें भी आपको तीन चार ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहली बात HSD, CBC भी आता है इस गाड़ी में। HSD का ये है कि आपको चार टायर मिलेंगे, और अगर आप टिप्पर सेगमेंट लेते हो या फिर जैसे जैसे आप जो है इसमें वेरिएंट सिलेक्ट करते हो तो वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ेंगे और वैसे वैसे फीचर भी बढ़ेंगे। अब ये जो है फोर टायर वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, अगर आप टिप्पर वाला लोगे तो उसमें सिक्स टायर वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको। तो यहाँ से जो यहाँ पे यहाँ से आप नहीं कि अपनी पीछे की स्टेपनी जो है वो रिमूव कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। जो है यहाँ पे आपको एक टॉमी मिलेंगी, उसको जस्ट आपको इंसर्ट करना है और घुमाना है तो आपकी जो स्टेपनी है वो नीचे निकल जाएंगी, ठीक है। देन इसके जो नीचे में है यहाँ पे आपको लोअर बम्पर जो है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलता है। इस गाड़ी में जो है आपको हेवी ड्यूटी वाला जो है रियर एक्सल मिलेगा, जो कि आपको कोई भी लोड, कोई भी कंडीशन, कोई भी पहाड़ में जो है आराम से चढ़ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपको हेवी वाली स्प्रिंग मिलेंगी, कैसा भी रोड, कैसा भी लोड और नो प्रॉब्लम, एनी टेरेन, एनी सरफेस, इसमें जो है आपका रियर एक्सल जो है, रियर वाला जो सस्पेंशन है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और यहीं पे जो है यहाँ पे आपको जो है जैक की प्लेसमेंट मिल जाएंगी, ठीक है। स्क्रू जैक आता है इस गाड़ी के साथ साथ। तो ये जो फ्यूरियो का HSD है 6.5 की जो इसकी हाइट है फीट में, और 14 फीट जो है इसकी लंबाई है, बहुत अच्छी बात है। कच्चे माल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कच्चा माल बोले तो होता क्या है, सब्जी वगैरह जो फ्रूट वगैरह जो वेजिटेबल्स वगैरह, उसमें जो है बॉडी की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, और साथ ही साथ जो है HSD में जो है फुल ऊपर तक जो है बॉडी की डिमांड रहती है। अगर कभी आपने संतरे मौसम्बी लाने का सोचा तो वो आराम से आ जाएंगे, उसके लिए आपको जो है ये गाड़ी बेस्ट रहेंगी, क्योंकि बेस्ट इन क्लास आपको माइलेज भी मिल रहा है। महिंद्रा ने एक और बात क्लेम किया है कि अगर ज़्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप सोच सकते हो कि ये गाड़ी जो है बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन की है। 60 लीटर का डीजल टैंक मिलता है, मेटल वाला डीजल टैंक मिलता है, और आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट का जो टेल पाइप है वो यहाँ पे मिलता है। एंड देन ठीक यहाँ पे जो 13 लीटर का जो है आपको डेफ टैंक देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो डेफ टैंक है बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है, ऐसा है कि जैसी आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो ये जितना भी एड ब्लू गया होगा, यूरिया गया होगा आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट के लिए, वो वापस रिटर्न ले लेता है। तो इससे जो है आपका एड ब्लू का जो कंजप्शन है वो थोड़ा कम होता है। रनिंग कॉस्ट, रनिंग जो गाड़ी है अगर आपकी चल रही है तो उसमें भी जो है एड ब्लू का कंजप्शन वो भी बहुत कम रहेगा। इसका जो है अगर मैं अंदाजन बताऊँ तो 2% ऑन डीजल रहता है एड ब्लू का कंजप्शन, ठीक है। फिल्टर की प्लेसमेंट भी यहीं पर की गई है, फिल्टर जो है बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। अब इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो महिंद्रा के स्पेयर पार्ट्स बाकी कंपनी के जो गाड़ियाँ हैं उनसे बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, और साथ ही साथ जो है इस गाड़ी का आपको अगर स्पेयर पार्ट टाइम पे नहीं मिला तो महिंद्रा कंपनी जो है आपको नेक्स्ट स्पेयर पार्ट जो है वो फ्री में देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर इंटेक का जो स्नॉर्कल है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया है कैबिन के साथ, ठीक है। और ये जो पर्सनल फेवरेट जो है मेरा वाइट कलर है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत प्रीमियमनेस जो है वो लगता है। और साथ ही साथ ये रहा इस गाड़ी का जो है डोर पैड, यहाँ पे स्पीकर प्लेसमेंट दी गई है, यहाँ पे जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन रखने के लिए जगह दी गई है, दरवाज़ा ओपन करने का लैच, और ये लॉक अनलॉक का जो है, और यहाँ पे आपको हैंडल भी मिलता है, विंडो ऊपर नीचे करने के लिए प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। ABC की प्लेसमेंट मिलती है इस गाड़ी में, जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलेटर पेडल आता है, और हाइड्रोलिक वाला जो ऑयल ब्रेक आता है इसमें, और साथ ही साथ क्लच बूस्टर वाला जो है क्लच आता है, ठीक है। और ये जो सीट है ड्राइवर की सीट, इसको आप आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन जो इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये रहा इसका इल्यूमिनेटेड की फोब हेडलाइट लेवलर, और यहाँ पे जो आपको एक हैंडल मिलता है चढ़ने के लिए। अभी जो है मैं आपको इसका अंदर का व्यू दिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे गाड़ी में अंदर बैठने के बाद, गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, बहुत बढ़िया प्रीमियमनेस जो वो फील होता है। बेस्ट इन क्लास कैबिन के साथ साथ आपको जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहने वाला है गाड़ी चलाने में, गाड़ी यूज़ करने में, गाड़ी को ओन करने में, ठीक है। अब मैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की बात कर लूँ तो इसकी जो ये है थिकनेस वो भी ज़्यादा मिलती है, ग्रिप लेवल भी अच्छे है, फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलता है, हॉर्न की प्लेसमेंट भी यहीं पर की गई है। ये जो इसके हेडलाइट के कंट्रोल, इंडिकेटर के कंट्रोल, और ये इसके वाइपर के कंट्रोल, और ये जो इसको स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लैच दिया जाता है, ठीक है। टिल्ट टेलीस्कोपिक जो है इसमें आपको एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, बहुत अच्छी बात होती। अब इसमें जो है ऑयल ब्रेक वाला जो सिस्टम यूज़ किया गया, हाइड्रोलिक ब्रेक वाला, तो इस वजह से जो इसको एंगेज करने के लिए जस्ट आपको इसको पुल करना है, फिर आपको जो है इसको रिलीज़ करना है, ठीक है। अब ये जो है रिलीज़ पोजिशन में आ गया, मतलब ये हैंड ब्रेक खुल चुका है, अभी गाड़ी आगे पीछे हो सकती है। अगर आपको हैंड ब्रेक लगाना है तो जस्ट आपको इसको पुल करना है पूरा फुल ताकत से, और ये जो है लग जाएगा, बहुत आसान है यूज़ करने में, ठीक है। अब मैं आपको इस गाड़ी का जो है इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखाता हूँ।
तो कुछ इस तरीके से जो इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, टेलटेल लाइट की प्लेसमेंट ऊपर में मिल जाती है, और ये रहा इसका डेप्थ लेवल कितना है वो बताता है, और ये रहा इसका छोटा सा MID, यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर मिलता है, और यहाँ पे जो आपको फ्यूल लेवल मिलता है, और ये जो चारों बटन है इससे चेंज करने के लिए, ट्रिप वन का डेटा दिखा रहा है, एवरेज स्पीड दिखा रहा है, और कितना घंटा चली है मतलब ट्रिप आवर भी बता रहा है, और ये बैटरी वोल्टेज भी बताता है, और ये ऑटो रेटिंग भी बता रहा है गाड़ी का, ठीक है। जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा, आप जो है अभी मेन मेन्यू में आ गया, ATS सिस्टम, और ये बाकी गेजेस वगैरह का जो ये सारे फ्यूरियो में सेम आता है, ठीक है। ये वाला जो इंडिकेटर है, ये कौन सा दरवाज़ा ओपन है वो वाला इंडिकेटर बताता है कि वन ऑफ द डोर इज़ ओपन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से था इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो इस गाड़ी में जो है सबसे पहली चीज़ वो है इसकी कूलिंग, 5 डिग्री तक जो है इसका कैबिन चिल रहता है, ये बहुत अच्छी बात है। कैसे, इसका रेक एंगल जो है वो बढ़ाया गया है, इस वजह से आपकी जो धूप है वो बहुत कम एंटर होती है कैबिन में। तो और ये साथ ही साथ इसका जो ब्लोअर वाला सिस्टम है बहुत प्यारा है, सुपर साइलेंट ब्लोअर मिलता है आपको, और साथ ही साथ बहुत पावरफुल भी है। अभी जस्ट मैंने गाड़ी स्टार्ट किया हो और अभी आप देख सकते हो कूलिंगनेस जो है आपको मिलेगा, हल्का जो है कूल लगने लग गया है। जस्ट ये ब्लोअर चालू किया है मैंने, इंजन भी चालू नहीं किया है मैंने, फिर भी जो है मुझे हल्का हल्का कूल लगने लग गया है। तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है बहुत अच्छा लगता है, प्रीमियमनेस जो आपको फील होगा। सबसे पहली चीज़ जो है ये एलिमेंट जो है ड्राइवर के रीच में, सारी की सारी बटन जो आराम से इजी टू रीच है, और अर्गोनॉमिकली बहुत बढ़िया बनाई गई है। ये जो मैनुअल रीजनरेशन ऑफ करने का बटन, 2 डमी स्विचेस, 4 इंडिकेटर ऑन करने के बटन, मैनुअल रीजनरेशन ऑन करने के बटन, यहाँ पे जो है स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, ठीक इसके नीचे में जो है यहाँ पे आपको ब्लोअर के वेंट मिल जाते हैं, और ये रहा इसका हैंड ब्रेक इस गाड़ी का, ठीक है। और ये रहा इसका गियर लीवर, 5-स्पीड गियर बॉक्स है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत हल्के गियर है, जस्ट आपका केबल शिफ्टिंग मैकेनिज्म है, उस वजह से आपको जो है लाइट गियर मिलते हैं, आराम से गियर लग जाएंगे, गाड़ी चलाने में भी बहुत आसान है। और इसका जो क्लच का थ्रो है वो भी बहुत कम है, आप देख रहे हो बहुत कम थ्रो के साथ जो इसका क्लच आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, DC आउटलेट है, आप जो है बाद में चार्जर लगा सकते हो, ठीक है। तो ठीक, इसके को पैसेंजर साइड में आपको जो है ग्लो बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अब इसमें आप मैनुअल वगैरह रख सकते हो, टूल किट वगैरह रख सकते हो, छोटे मोटे टूल वगैरह रखना होगा तो वो भी आप रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। एंड देन उसके जस्ट नीचे में जो है आपको वॉशर फ्लूइड टॉप अप कराने के लिए मिल जाएगा। तो इस गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा हेडरूम मिलता है, आप कैसा है ना, गाड़ी झटके से वगैरह जाती है तो ड्राइवर का जो सर है वो सीधा इसको लगता है कैबिन को, तो उस वजह से जो है महिंद्रा ने ये सोचा है, R&D किया है कि इसमें जो है आपको ज़्यादा हेडरूम मिलेगा, जिस वजह से आपका जो सर टकराने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। ये महिंद्रा की सिर्फ ये गाड़ी में नहीं है, जितनी भी फ्यूरियो आती है उन सारी गाड़ियों में जो आपको हेडरूम ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ जो है ब्लेजो भी आती है उसमें भी ये चीज़ इम्प्रूव कर दी गई है। तो कुछ इस तरीके से था हमारा इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस। इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं, 3.5 लीटर का, 2.5 लीटर का, जैसे जैसे आप जो अपनी डिमांड बताओगे वैसे वैसे ये गाड़ी कस्टमाइज होती जाएंगी, वैसे वैसे इसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो ये गाड़ी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, वेल रिकमेंडेड गाड़ी है, अब तक की बेस्ट गाड़ी है, फ्रूट मार्केट के लिए, हल्के लोड के लिए भी अच्छी है, हैवी लोड के लिए भी अच्छी है गाड़ी। मेन यानी जो इसका माइलेज, अगर आपको कंपनी क्लेम माइलेज नहीं मिलता है तो आप कभी भी गाड़ी वापस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, महिंद्रा ने क्लेम किया है इस गाड़ी के ऊपर, ठीक है। मेन यानी इसका जो पेलोड है वो आपको इसमें ज़्यादा मिलता है, इसका जो GVW है वो है 7 टन का, 7 टन का जो इसका GVW है, और इसमें जो रॉ GVW मतलब आप कर्व वेट जो आप जिसको बोल सकते हैं वो है इसका 3 टन का, और आपको 4 टन का जो इसमें पेलोड मिलता है, बहुत अच्छी बात है 4 टन के हिसाब से। और गाड़ी की जो डेक लेंथ है वो भी बहुत बढ़िया दी गई है, लंबी डेक लेंथ है, बड़ा HSD है। तो अगर आपको यह गाड़ी प्लान करनी होगी, परचेस करनी होगी, तो मैंने जो अगस्ता मोटर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगस्ता मोटर गोंड कैरी वाड़ी से 5 किलोमीटर जस्ट आगे में है ये शोरूम, और आप यहाँ पे आके अपनी इंक्वायरी फिलअप कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेरी वगैरह रहेंगी वो सॉल्व कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दे दिया है इनका वाला। और यह वीडियो पसंद आऊँगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो भी 7 टन वाले GVW में व्हीकल देख रहा होगा, उनके लिए तो ये बेस्ट व्हीकल रहेगा। सबसे पहली चीज़ जो इसका लुक बहुत अच्छा दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।